अच्छा, इस पे आप लोग को ध्यान देने के लिए नहीं, ये मेरे लिए है ताकि अगर मैं कुछ गलती करूँ आप लोग को पढ़ाते हुए तो बाद में मैं उसको सुधार सकूँ, ठीक है? ये आप लोग के लिए नहीं, इस पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ताकि मुझे, क्योंकि मैं टीचर, मेरे लिए भी बहुत नया है ये सब पढ़ाना, तो मैं गलती कर सकता हूँ काफी, तो इसलिए ये मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? तो पहले इंट्रोडक्शन, आप लोग क्या है, 9th के? मेरा नाम आपको पता है? हाँ, क्या है? हाँ, तो मेरा नाम ईशान मारोल है, मैं 27 इयर्स का हूँ और मेरा घर हिमाचल में है और मैं दिल्ली में रहा हूँ। यहाँ आने से पहले मैं जर्नलिस्ट था, अब एक साल आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है? आप लोगों का एज कितना होगा ग्रुप, कितना है? 13 to 14, 16 भी है कोई? 17 भी है कोई? क्या, ठीक है, 13 to 16 ये ग्रुप है ना? हाँ, तो बेसिकली आप लोगों के साथ मैं ये, मैंने कोर्स डिजाइन किया है जो पिछले दो महीने, पिछले 2 months में मैं, आप लोगों ने देखा होगा इधर उधर मैं रहता हूँ स्कूल में, तो मैं क्या कर रहा था, ये कोर्स डिजाइन करता जिसका नाम बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या होता है, किसी को कोई मतलब जानता है बेसिक का? बेसिक का मतलब कोई जानता है? बेसिक एक इंग्लिश वर्ड है, BSIC। हाँ नहीं, बेसिक का मतलब बेसिक फाउंडेशन, जड़, मूलद्वा समझते हैं ना उड़िया ना? तो क्या हो गया, फाउंडेशन बेसिकली किसी भी चीज का, जैसे आप पेड़ देखते हैं कोई, इतना पेड़ है, ये है, ये ग्राउंड है, नीचे क्या होता है उसका, रूट्स, जड़। वैसे आप घर बनाते हैं कैसा, तो पता है ना यहाँ तक ग्राउंड है लेकिन नीचे एक फाउंडेशन डलता है ना, ताकि ये इस फाउंडेशन और इस रूट्स का काम क्या होता है, सख्त बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, है ना? हाँ, तो जो बेसिक क्लास है इसमें हम ऐसे ही बेसिक फाउंडेशनल बातों पे, सिंपल बातों पे बात करेंगे जिससे आप लोगों का फाउंडेशन स्ट्रांग हो, ठीक है? बेसिक का यानी वैसे मतलब तो ये है शब्द का, लेकिन मैंने इसका एक थोड़ा फुल फॉर्म भी बना दिया है, वो फुल फॉर्म मैंने बनाया है, असल में नहीं है, बेसिक शब्द बस बेसिक है, BASIC, फाउंडेशन, ठीक है? लेकिन जो कोर्स है इसका है बी फॉर क्या है, बर्थ, बर्थ का मतलब जन्म, ए अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस, क्या क्या क्या, सचेत होना, यानी आपके आसपास क्या हो रहा है उसपे सचेत होना, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है, ठीक है? एस सेल्फ, सेल्फ यानी नेचर, एग्जैक्टली। आई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन व्यक्तित्व नहीं, इंटीग्रेशन मतलब चीजों को जोड़ना, जैसे आप लोग अब कितना 13-14 इयर्स का है, 13-14 इयर्स में बहुत कुछ आपने सीखा है ना, घर वालों से सीखा है, प्रेयर कैसे करते हैं, या फिर बहुत चीजें सीखी आपने, काम कैसे करते हैं, आप लोग तो सब काम खुद ही करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ये आकाश को पानी का काम आता है, सब करते हैं आप लोग, तो ये सब चीजें आपने क्या किया है, धीरे धीरे बहुत चीजों से, कहीं टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ये सब चीजें आपने नॉलेज लिया है और उसको एक तरह से इंटीग्रेट किया है, जोड़ा है आपने अंदर, तो ये इंटीग्रेशन। और फाइनली सी क्या है, क्लास, ठीक है? तो मतलब क्या हो गया इसका, बेसिक का, बर्थ, जन्म, कहीं होता है ना जन्म के साथ साथ बहुत चीजें जुड़ जाती है हमारे, जन्म के साथ आपका फैमिली जुड़ जाता है, जन्म के साथ आपका रिलीजन जुड़ जाता है, जन्म के साथ आपका कितना आपके पास पैसा है वो भी जुड़ जाता है, समझ रहे हैं आप? तो सब एक तरह से लक का बात है ना, कि जहां पे आप पैदा होते हैं उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। आप उड़ीसा में इधर पैदा हुए तो इसलिए आप उड़िया बोलते हैं, पंजाब में कहीं पैदा होते तो क्या होता, पंजाबी बोलते। वैसे अगर जैसे अभी आप यहाँ है फार्मर के घर पे है, पैदा हुए हैं, तो आप लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है हमारे पास, ठीक है? अगर कहीं अंबानी या बड़े बिजनेसमैन के वहां पे पैदा हुए तो वो भी किस्मत का बात है, तो बहुत पैसा होता, तो ये सब चीजों के। और वैसे हिंदू परिवार में पैदा हुए तो हिंदू बन गए, अगर मुस्लिम फादर होता तो मुस्लिम बन जाते, ऐसे, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये होगी बर्थ की बात, इसमें हम बात करेंगे कि बर्थ, जन्म की वजह से क्या क्या चीजें हमारे साथ जुड़ जाती है, ठीक है? अवेयरनेस तो आपको पता है, सचेत हर चीजें जो आपके आसपास हो रहा है, चाहे साइंस, पॉलिटिक्स, राजनीति, कुछ भी, उसके बारे में थोड़ा सचेत होना, जो जो आपके काम आता है। सेल्फ नीड, वैसी बर्थ के साथ साथ हम जो नीड है, हम बहुत आइडेंटिटी बना लेते हैं ना, कि क्या है, जैसे नीड जुड़ते रहता है, आप पैदा होते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, किसी का बेटा या बेटी बन जाते हैं, पुआ जी बन जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं, फिर क्या होता है,
कुछ और जुड़ जाता है आपके साथ, स्टूडेंट बन जाते हैं आप, यानी काम जुड़ जाता है। फिर अगर कुछ काम करने लग जाएंगे तो मान लो इंजीनियर या फार्मर या जो भी, वो आपका स्नेज बन जाता है। वैसे फिर आप शादी करेंगे तो किसी का हस्बैंड या वाइफ बन जाएंगे, फिर बच्चा होगा, फिर से साइकिल होगा, फिर क्या है आप फादर मदर बन जाएंगे। तो जीवन भर ये निज भी बढ़ते रहता है ना, अलग अलग चीजें जुड़ती रहती है, तो निज पे उस पर बात करेंगे। और फाइनली इंटीग्रेशन का क्या है, इन सब चीजों को हम इस क्लास में जोड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे। और फाइनली क्लास तो क्लास है, ठीक है, तो आप समझ गए ये चीज। तो बेसिक, तो इसमें क्या होगा, हम इस क्लास में कुछ भी चीज के बारे में तीन टॉपिक है। साइंस आपको पता है क्या होता है, विज्ञान, फिलॉसफी और हिस्ट्री, ये तीन फोकस रहेगा। हिस्ट्री इतिहास, फिलॉसफी क्या होता है, फिलॉसफी आप इतना बेसिक शब्दों में इतना समझ लीजिए कि किसी भी चीज पे सवाल उठाना, ठीक है। जैसे साइंस में आप सवाल उठाते ना कि ये चीज क्यों हो रही है, अगर ये पेन ऐसे गिर रहा है नीचे तो क्यों हो रहा है, क्यों होता है ये पेन ऐसे गिर रहा है। हाँ देखो दर्शन, अच्छा समझ गए फिर आप क्या है। हाँ, तो किसी भी चीज में आप सवाल उठाएंगे कि जैसे कुछ भी क्यों होता है, कैसे होता है, तो बेसिक शब्दों में वो हो गया। तो ये करेंगे, तो सवाल क्या क्या होते हैं, व्हाट होता है, व्हाट क्या होता है, कौन, हाँ, व्हेन होता है, व्हेन यानी क्या हो, कितने बड़े, ठीक है, मैं भी बड़ा हो रहा हूँ आपसे सीखूंगा ऐसे। और हाउ क्या होता है, कीमती, हाँ है ना, और वाई, तो वाई सबसे जरूरी सवाल है मेरे हिसाब से। हर चीज का आपको वाई पता होना चाहिए, अगर वाई पता होगा तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी ये सब आप इंटरनेट पे किताब में पढ़ सकते हैं, व्हाट, व्हेन, ये सब फैक्ट्स है ना, ये सब आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं, खुद से किताब पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, वाई जरूरी है। तो हर चीज इस क्लास में जो भी हम बात करेंगे हमेशा वाई पे फोकस रहेगा, ठीक है। तो इस क्लास को मैंने कुछ डिवाइड किया है, हम क्या करेंगे इस क्लास में कुछ 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स पे बात करेंगे बेसिकली। एक वर्ल्ड, वर्ल्ड में हम क्या बात करेंगे बेसिकली, जो हम दुनिया में जी रहे हैं वो कैसे, वो दुनिया किस चीज से बनी है और कैसे बनी है। नींद आ रही है आपको, हाँ ठीक है। तो ये जो हम पृथ्वी पे जी रहे हैं वो अराउंड 4600000, इतना साल पुराना है, ठीक है। अभी हम कौन सा 2017 में है ना, लेकिन अर्थ को इतना साल हो गया है, देख रहे कितने सारे जीरोस है, 4.6 बिलियन। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि इतने टाइम से पहले अर्थ कैसे बना और हम कहां तक पहुंचे हैं। उड़ीसा का बात करेंगे, इंडिया का बात करेंगे, एशिया का बात करेंगे, पूरे दुनिया का बात करेंगे, और सोलर सिस्टम का बात करेंगे। सोलर सिस्टम पता है ना आपको क्या होता है, हाँ, तो ये सब बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया वर्ल्ड। सेकेंड क्लास में क्या हुआ आपका, उसमें हम बात करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी क्या हुआ, पहचान, आइडेंटिटी, पता है ना, आइडेंटिटी कार्ड बनता है, जैसे आधार कार्ड ये सब बनता है, उससे आपकी पहचान होती है। हाँ, तो आइडेंटिटी में भी हम वही, जैसे हमने बात किया बर्थ और सेल्फ का बात करते हैं, एज और जन्म का, तो आइडेंटिटी पे वैसे ही बातें होगी। हम बेसिकली क्या है, अगर ये सब आप हटा दें जो चीजें आपके साथ जन्म पे जुड़ जाती है, एज पे जुड़ जाती है, हम क्या है एंड में, ये सब हटा देंगे तो आप क्या है, हम लोग सब क्या है यहाँ पे, हाँ मनुष्य। तो इस चीज पे बात करेंगे कि मनुष्य को कितना टाइम लगा, मनुष्य को भी 2000 इतना साल हुए हैं पृथ्वी पे, हम बस, तो पूरा हम देखेंगे इतने साल से हम कैसे बने हैं, ठीक है। और आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि बोलते हैं कि बंदरों से हम बने हैं ना, इवॉल्व हुए हैं, तो लेकिन बंदरों से नहीं, बंदर बस हमारे पास के रिश्तेदार है, बंदरों से पहले मछली वछली सब एक बहुत लंबा चेन चला है, जैसे मैंने लिखा है ना, इतने साल लगे पृथ्वी को बनने में, तो ये पूरा चेन चलते आ रहा है हम तक पहुंचने में। तो दूसरे क्लास में हम ये सब बात करेंगे, तो आज बस बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं आप इस क्लास में क्या होगा। थर्ड में क्या होगा फिर, हाँ, जेंडर एंड सेक्स, ये क्या है, जेंडर क्या होता है, हाँ लिंग, सेक्स क्या होता है,
सेटा यानी सेम होता है, नहीं सेम नहीं होता, ठीक है। सेक्स एक फिजिकल, वो आपको पता है, हम लोग सब यहां पे कैसे, मैं आपके सामने कैसे खड़ा हूं क्योंकि मैं 27 इयर्स का हूं, तो 28 इयर्स पहले क्या हुआ था, मेरे घर वाले मेरे मम्मी पापा ने शादी किया, सेक्स किया और फिर मैं पैदा हो गया और मैं यहां पे। वैसे हर कोई ऐसे ही आया है, कोई आसमान से नहीं टपका, पता ना आपको ये सब, आप बड़े हो क्लास 9 में आपने पढ़ा है बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन क्या होता है, वैसे ही हर एक के साथ यही हुआ है, पेरेंट्स सेक्स करते हैं उसके बाद बच्चा पैदा होता है और हम यहाँ पहुंचते हैं। और इसमें कोई यानी इसको गलत लेने की बात नहीं है, कोई इसमें हंसने की बात नहीं, ये बहुत नेचुरल चीज है, चींटी से लेकर हाथी से लेकर बैक्टीरिया हर कोई रिप्रोडक्शन करता है, जब पेड़ पौधे भी करते हैं, जो फूल आप देखते हैं वो बेसिकली उनका तरीका है सेक्स का, समझ रहे ना, तो ये हो गया। और जेंडर क्या होता है, जेंडर वो है कि सेक्स तो वो हो गया ना कि मेल फीमेल आपने बना लिया, ये आदमी ये औरत है, ये कुत्ता है ये कुतिया है ये सब, लेकिन जेंडर का मतलब क्या होता है, जो आप आइडियाज जोड़ देते हैं इन चीजों पे कि लड़की है जो वो चुप बैठेगी, वो किचन में काम करेगी, वो बाहर काम नहीं करेगी, लड़का है वो शक्तिशाली है वो बाहर काम करेगा, वो किचन वो खाना नहीं बनाएगा, तो जेंडर में ये सब चीजें आती है, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक में हम ये सब बात करेंगे। उसके बाद आ गया लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, भाषा, तो भाषा का बात करें क्योंकि भाषा एक बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे जैसे उड़िया नहीं आती, आप लोग आप लोग कुछ कुछ हिंदी आती है, इंग्लिश कुछ कुछ आता है, थोड़ा वीक है कमजोर है, भाषा कैसे होता है, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना सीखेंगे, तो थोड़ा अभी से मैं बोल रहा हूं आप लोग जैसे यहाँ पे यंग वर्ड ये सब पढ़ा होता है, कोशिश कीजिए पढ़ने का क्योंकि उसी से लैंग्वेज इंप्रूव होगा। तो इस क्लास में वैसे मैं आपको कुछ ग्रामर व्रामर नहीं सिखाऊंगा, इसमें मैं भाषा का मतलब हम देखेंगे कि भाषा कैसे बनी है, भाषा का मतलब क्या है, क्या होता है, और कोई भी भाषा बड़ी है वो महा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी उड़िया से ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है या फिर उड़िया ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज बराबर है, लैंग्वेज का काम होता है एक दूसरे को बात करना और समझना, जो मीनिंग है अर्थ अर्थ होता है ना जो एक्सचेंज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाषा से आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए अगर कोई भाषा नहीं आती तो इसका मतलब हम कम है, तो सीखो उस भाषा को, बस टूल है भाषा, एक टूल है समझने के लिए दूसरे को, कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ज्यादा ये है या वो है, समझ रहे आप, तो इस पे भी बात करेंगे लैंग्वेज। फिर आया लॉ एंड इक्वालिटी। लॉ क्या होता है, लॉ LAW, नियम कानून, हाँ जैसे स्कूल का भी नियम होता है आप लोग पालते हैं, वैसे ही देश का भी नियम लॉ होता है, कानून होता है ना, कि अगर कुछ गलत काम करता है तो उसको जेल भेजते हैं ये सब। और इक्वालिटी क्या होता है, समानता, एग्जैक्टली हिस्सा बराबरी। तो हमारे देश के संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून के हिसाब से हम सब बराबर है, पता है आपको ये सब, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं होता है, असलियत में जैसे लिख दिया है कि कानून में तो लिख दिया सब बराबर है, लेकिन असलियत में हम देखते ऐसा नहीं होता है ना, कि कुछ कुछ अलग है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो इन सब पे बात करेंगे इक्वालिटी क्या है। जैसे इक्वालिटी के तल पे एक बात करें, जैसे आप लोग बहुत ये शब्द सुनते रहते शायद, आदिवासी, ट्राइबल, ट्राइबल बहुत सुना है आप लोगों ने, इसका मतलब क्या होता है, आपको हमेशा बोलते रहते हैं लोग कि हाँ ये ट्राइबल स्कूल है, आप ट्राइबल बच्चे हैं, मतलब क्या होता है ट्राइबल का, ठीक है एक पॉइंट ये है, और क्या इसका ट्राइबल का बेसिक मतलब क्या है, ट्राइब कहां से है, ट्राइबल शब्द आता है ट्राइब से, और आदिवासी जो है आदिवासी का मतलब क्या होता है, इन दो शब्दों का मैं बेसिक मतलब बोल रहा हूं, आपने जो बताया ठीक है, लेकिन बेसिक मतलब पूछ रहा हूं इन शब्द का क्या होता है, इतने टाइम से आप लोगों को बोला गया है ट्राइबल आदिवासी आदिवासी मतलब क्या है, आपने कभी सोचा नहीं, पूछा नहीं किसी से, नहीं क्यों झूठ बोल रहे, पूछा नहीं जाए आदिवासी कौन पाले की जन्म पाले, हाँ ठीक है चलो छोड़िए, हाँ ठीक है सर कोई नहीं, आदिवासी का मतलब क्या होता है, एक तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट, ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो जो लोग किसी भी धरती में असली जो शुरुआत से रहे, तो जैसे अगर और ट्राइब का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सिंपल ग्रुप जिसमें कुछ सरकार का सिस्टम नहीं हो, सब लोग बराबरी में रहते हो,
कोई वो नहीं है कि ये कोई सरकार है वो सब कुछ पैसा दे, सब बराबर में रहते हैं। और तब ट्राई बेसिकली थोड़ा जिसमें नई सुविधाएं नहीं है, मशीनें नहीं है, ये सब नहीं है, तो क्या हो? और बेसिकली इसका मतलब क्या है, टाइम की बात है सब। एक समय था जब सब हम सब का ट्राइब से ही आए हैं, आप समझ रहे हैं, सब जितने भी इंसान है सब कहां से आए, अफ्रीका से आए हैं। धीरे धीरे अफ्रीका से पूरा पृथ्वी में फैला इंसान, और हर इंसान उस मामले में ट्राइब से ही आया है। बस कुछ लोगों को ज्यादा समय लगा है उससे आगे बढ़ने में, टेक्नोलॉजी नहीं आया, मशीनें नहीं आई, और कुछ लोगों के पास जल्दी पहुंच गई। जो इंग्लैंड के लोग हैं, हम लोग सोचते थे जो गोरे लोग हैं इंग्लैंड लोग बहुत वो तेज है, हर चीज है उनके पास, लेकिन अराउंड 1300 साल 1400 साल से पहले वो लोग भी ट्राइब थे, उनको कहते थे एंग्लो सैक्सन ट्राइब, ठीक है, वो लोग भी ट्राइब में ही थे, आपस में रहते थे, कुछ उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लैंग्वेज भी ज्यादा डेवलप नहीं था, हमेशा एक दूसरे से वॉर करते थे, हंटिंग करते थे, तो हर कोई ट्राइब से ही आया है। बस ये है कि कुछ कुछ जैसे आकाश ने बोला कि सुविधा, सरकार का सुविधा ये सब पहुंचने में टाइम लग गया, तो इसलिए अभी तक ट्राइबल का लेवल है, लेकिन हर कोई ट्राइब से ही आया है, इतना आप समझ लीजिए। तो इसमें कभी भी कुछ ये बुरा मानने का वो बात नहीं है, ठीक है, ये बस टाइम का बात है। कभी ऐसा अगर कोई आपको ट्राइबल बोल के अगर बुरा लगाने, उसको बुरा लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उनकी छोटी सोच है, आपको ये समझने का जरूरत है। आप लोगों को इस बात में शर्म की कुछ वो नहीं है, ट्राइबल कुछ शर्म का बात नहीं, बल्कि जैसे मैंने बताया किसी भी देश के जो असली लोग थे वो ट्राइबल होता है। जैसे इंग्लैंड के लोग बाद में इंडिया में आए थे तो उनके लिए हम लोग ट्राइबल थे, जितने भी इंडिया में लोग पहले से रह रहे थे सब ट्राइबल थे उनके लिए, समझ रहे ना, वो जब राज कर रहे हैं। तो वैसे ही अब यहाँ पे जो है, अगर बंगाल के लोग आते हैं, आप लोग शुरुआत से हैं, तो आप लोग आदिवासी क्योंकि आप हमेशा से यहाँ रहे, समझ रहे, तो ये तो एक तरह से गर्व की बात है, प्राउड होने का बात है, कोई शर्म का बात नहीं है, ठीक है। मैंने क्योंकि ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों से मुझे सुनने में आया है कि उनको बुरा लगता है जब ये सब बात होती है, बुरा लगने का कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। इस पे और बात करेंगे हम डिटेल में, अभी फिलहाल बस इतना ही, और फिर क्या है, फिर करेंगे सिक्स्थ सेशन में साइंस का बात। साइंस में हम क्या बात करेंगे, साइंस कैसे शुरू हुआ, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, कि साइंस का तरीका क्या है, किसी भी चीज का कैसे सवाल उठाते हैं, कैसे उन सवाल का प्रॉब्लम का हम हल ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और साइंस बस यही नहीं है कि जो आपको किताबों में पढ़ते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं ये सब लिखते हैं। क्या ज्यादा चावल खा लिया क्या तुम लोगों ने आज, नींद आ रहा है सबको, ठीक है। साइंस में ये सब जितना भी जो आप लोग एग्रीकल्चर करते हैं, आप लोग गार्डनिंग करते हैं, वो भी एक तरह से साइंस है। अराउंड 10-15,000 साल पहले सोचे किसी इंसान, हमेशा से तो ऐसा नहीं था ना, लोगों को पता था कि बीज डालते हैं तो उग जाता है कुछ, शायद 10-15,000 साल पहले जो आदि मानुष था, चलते चलते उसने बीज कहीं गिरा दिया, 2 महीने बाद आया उसने देखा कि वहां से उग रहा है, पौधा उग रहा है, तब उसने सोचा अच्छा ऐसा होता है, तो फिर वो लोग फार्मिंग करने लग गए। उससे पहले क्या करते थे, हंटिंग करते थे ना, बस शिकार करते थे, फिर खाने के लिए फार्मिंग करने लग गए, तो ये भी बेसिक साइंस है। तो सोचिए 10-15,000 साल पहले जो चीज है, अभी तक आप वो कर रहे गार्डनिंग, और अब मशीनें बन गई है, पैडी थ्रेशर बन गया है, इतने सारी मशीनें, ट्रैक्टर होता है, तो ये सब धीरे धीरे साइंस का ही खेल है, ठीक है। आप अभी तक जो बीज डालते हैं वो भी साइंस के, क्योंकि किसी ने पहली बार सवाल उठाया था कि बीज डालेंगे उसमें पानी डालेंगे धूप चाहिए तो पौधा बड़ा हो जाता है, ठीक है। वैसे ही चक्का व्हील बना ये सब बना, ठीक है, बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिर एक सेशन है ये क्वेश्चन एवरीथिंग, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ हर चीज पे सवाल उठाइए, कुछ भी, चाहे न्यूज में भी आता है, न्यूज का भी देखिए, न्यूज में क्या होता है, काफी जो न्यूज कंपनीज है वो बड़े बिजनेसमैन ने खरीद रखी है, तो न्यूज भी काफी, हमेशा न्यूज को बिल्कुल मत मानिए, उस पर भी सवाल उठाए जो आपको सही लगता है, रिसर्च इसीलिए होता है, इंटरनेट में आप और चीजें देखिए, क्योंकि सच जो है आजकल हमारे जमाने में बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। और मैं भी जो बोल रहा हूँ आप इसको डायरेक्ट, कोई भी जो आपको कुछ बोलता है उसको डायरेक्ट, जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको आप जांच नहीं सकते, खुद समझ नहीं सकते, तब तक मत मानिए उस चीज को, कोई भी, चाहे जो सर हो चाहे टीचर हो आपके, अगर आपको गलत लगती है कोई चीज बोलने का जरूरत है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बदतमीजी कीजिए लोगों से, लेकिन
अपना सोच अपनी होनी चाहिए, ठीक है, लोगों से सुन सकते हैं लेकिन दिमाग अपना चलना चाहिए, ठीक है। कुछ गलत लग रहा है क्योंकि आपको पता है ना, कुछ 500 600 साल पहले लोगों को लगता था कि पृथ्वी हमारी फ्लैट है, पता है ना, हाँ लोगों को लगता था पृथ्वी फ्लैट है। अभी आपको सबको पता है कि ग्लोब है, पृथ्वी राउंड है, लेकिन तब लगता था लोगों को कि पृथ्वी बिल्कुल ऐसी है और हम किसी दिन अगर ऐसे शिप में जा रहे तो ऐसे गिर जाएंगे। ये तब का साइंस था, तो साइंस भी बदलते रहता है, ठीक है, और इसीलिए सवाल उठाना जरूरी है। जस्ट बिकॉज अगर 1000 लोग ये चीज मानते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो सच है, कल को शायद सच बाहर है, ठीक है। इसमें हम ये सब बात करेंगे इस सेशन में। फाइनली हम बात करेंगे पैसे का, कि पैसा क्या होता है, पैसा कहां से आया, पैसा क्यों आया है, पैसे से क्या होता है, बैंक में क्या होता है, टैक्स क्यों देते हैं, ये सब बात करेंगे। और दो और चीजें हैं, 10 सेशन है टोटल, 8 आप लोग करते हैं, आपको तो पता है करता था हमने, तो 8 में भी ऐसी बात करेंगे कि इतने सालों में 8 कैसे बदला है, क्या होता है, 8 का मतलब क्या है। और फाइनली एक स्टोरी, यार इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका मेन बेसिकली फाइनल प्रोजेक्ट होगा। इस क्लास में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, कोई नंबर नहीं है, कोई पास फेल नहीं है, अटेंडेंस भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट ना हो तो आप उससे अच्छा आप लोग बाहर घूम सकते हैं। यहाँ पे आके जबरदस्ती बैठ के बस चुपचाप बस जबरदस्ती की बेल कब बजेगा, बेल कब बजेगा, मुझे जाना है, उससे अच्छा आप लोग बाहर घूमिए, मैं ज्यादा खुश रहूंगा। इस क्लास में आना है तो आप अटेंशन दीजिए और बात कीजिए, बस मैं ही अगर एक तरह से बोलते रहूं तो इस क्लास में कुछ फायदा नहीं है, एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा। तो फाइनली क्या होगा, स्टोरी सेशन होगा, इसमें हम लोग कहानी बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे कहानी, वो फुल मैं आपको हेल्प करूंगा कि कहानी कैसे बनाते हैं, कहानी में क्या क्या होता है। और इंस्टेड ऑफ एन एग्जाम, जैसे बाकी कोर्स में एग्जाम होता है आपका, इसमें क्या होगा, इस बेसिक कोर्स में आप लोगों को एक नाटक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिंग अच्छा लगता है लोगों को यहाँ पे, हाँ, तो करेंगे एक नाटक बनाएंगे, और वो नाटक यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि और नाटक का क्या होगा, बेसिकली इन भी किसी भी चीज जो आपको लगता है जो प्रॉब्लम है या फिर कोई अच्छी चीज जिसमें सीख सकते हैं लोग, उस चीज में आप नाटक बनाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए प्लास्टिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्लास्टिक कहाँ फेंकते, जला रहे इधर उधर, आपको पता है प्लास्टिक को हजारों साल लगता है सड़ने में, खाना फेंक देते हो, कुछ फेंक देते हो तो कंपोस्ट बन जाता है ना, एक दो महीने उसी वक्त बन जाता है, प्लास्टिक को हजारों साल लग जाता है सड़ने में, इसलिए प्लास्टिक प्रॉब्लम है। तो उस पे आप नाटक कर सकते हैं कि पृथ्वी खराब हो रही है, जो किसी भी चीज पे नाटक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप लोग सेलेक्ट करेंगे, मैं आपका मदद करूंगा। और वो नाटक यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे हैं, टीचर हैं, सब लोग स्कूल में हैं और सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए। ये होगा नाटक गांव में जाके, तामना में हो सकता है, सिहाड़ा में हो सकता है, कड़ीसी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ वहां पे, तो वहां पे होगा क्योंकि वहां पे जरूरत है। यहाँ पे तो आप सबके साथ आप वैसे भी बात कर सकते हैं, सब स्कूल जाते हैं बच्चे, वो नहीं जैसे यहाँ कई जगह मैंने देखा कि आपके जैसे बच्चे, आपसे भी छोटे बच्चे, आप लोग तो स्कूल में है, वो लोग काम कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। उनका मैंने मम्मी पापा से बात किया कि उनको आप स्कूल भेजिए, फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन वो बोलते नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि फिर पैसा कहां से आएगा। तो ये सब दिक्कत है, इस पे आप नाटक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना, विलेज में हो, किसी गांव में जाकर ये नाटक करेंगे, और उसी के चलते कुछ पास फेल नहीं है, बस मैं चाहूंगा आप अच्छा करें, क्योंकि उस नाटक का परफॉर्म करने का क्या आइडिया है कि जो भी आप इन क्लासेस में सीख रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना वो बांट के ही बढ़ता है, वो एक जगह अगर आप बैठ जाएंगे तो नहीं, कुछ फायदा नहीं उस चीज का, बस नौकरी करना है, पैसा कमाना है, अपने लिए खूब पैसा कमा के बच्चा पैदा कर देना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, फिर बच्चे भी वही चीज करेगा, साइकिल चलते रहेगा, ठीक है, वो सब करना है, सबको करना है, लेकिन थोड़ा बड़ा भी सोचिए, ठीक है, आसपास के लोगों के बारे में सोचिए, सब एक ही फैमिली है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य है, ठीक है। ये हो गया, अगर आप लोग किसी को ये नोट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये हो गया, ये 10 सेशन होंगे तब, ठीक है, समझ गया। और तो बेसिकली इन क्लासेस का बहुत खत्म होने वाला है, इन क्लासेस का क्या होगा, कुछ आइडियाज है क्या होगा इन क्लासेस से, जैसे एक ये है रैशनल थिंकिंग, दिमाग सबके पास है लेकिन थोड़ा उसको सोचने का ढंग धीरे धीरे हम बनाते हैं, तो इन क्लासेस से आपका मदद होगा कि सही सवाल कैसे उठाए, किस तरह से सोचना चाहिए, ये। दूसरा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब
आत्मविश्वास, हाँ कॉन्फिडेंस, यानी तो उस चीज पे बात करें, क्योंकि यहां पे मैंने देखा स्कूल में थोड़ा प्रॉब्लम है खासकर। और मैं समझता हूं कि आप लोग घर से आ रहे हैं, घर पे शायद आपको एक तरह का माहौल मिला है, यहाँ पे अलग तरह का माहौल मिला है, खासकर लड़कियां आप लोग बहुत शर्माती है ना, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी चीज में आप नाम पूछता हूं तो आप नाम बताते बताते कि सुजाता ऐसे कर रहे हैं, ये सही नहीं है क्यों? हाँ देखो अभी भी चल रहा है क्या, ये किसने बोला आपको कि ऐसा करना जरूरी है, ऐसा करना जरूरी है? जब तक आप कल को आप लोग, अभी तो आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं स्कूल में, कल को आप लोग जाएंगे इंटरव्यू देंगे कहीं पे, नौकरी करेंगे, हो सकता है बॉस बने कहीं पे, जैसे आप गीता दीदी को यहाँ देखिए अपने, या फिर शर्मानी को देखिए, वो पूरा आपको पता है ब्रांच, बैंक ब्रांच चलाती है शर्मानी। तो अगर आप लोग को ऐसा नौकरी करना है तो ऐसे ऐसे करके तो नहीं चलेगा ना, कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास तो अभी टाइम है, अगर अभी नहीं करेंगे तो बहुत फिर धीरे धीरे, क्योंकि पर्सनैलिटी अगर अभी बचपन में नहीं बदला जाएगा तो फिक्स हो जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के बारे में आपको तीन चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, इन चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मैं नोटिस किया आप लोगों के बारे में, खासकर लड़कियों का कॉन्फिडेंस में तीन चीजें आ गई। एक बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीर की भाषा। अगर आप लोग सोचिए मैं कल से क्लास में आ रहा हूँ और ऐसे की जगह मैं आप लोगों के साथ ऐसे बात करता हूँ, हाँ तो आज हम बेसिक में ऐसे पढ़ेंगे, सही लगेगा आप लोगों को? नहीं ना, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो बॉडी लैंग्वेज मैंने देखा, जब भी आप लोग उसे मैं क्लास में सवाल करता हूँ तो आप लोग ऐसे करते हैं, हाँ हाँ नहीं सर, नहीं सर, अगर ऐसे करेंगे तो आवाज ही नहीं निकलेगी। तीन चीजें होनी चाहिए, एक बॉडी पे ध्यान दीजिए, शरीर का भाषा, बॉडी लैंग्वेज, दूसरा क्या है, आई कॉन्टैक्ट, आंख में आंख डालिए, आंख में क्यों नहीं, इतना मुश्किल क्यों है मेरे आंख में डाल देखना, मैं भी इंसान हूं आप लोग की तरह, इतना वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट। क्योंकि अगर जब किसी से आप नजरें छुपाते हैं तो दो चीजें होती है, या तो आपके पास आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको लगता है आप कुछ है नहीं तो इसे नहीं देख पा रहे, दूसरा लोग समझते हैं कि आपको छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट, और तीसरा वॉइस। वैसे आप लोग चिल्लाते रहते हैं फील्ड में, मैंने देखा है सब चिल्लाता है, लेकिन क्लास में किसी का आवाज नहीं निकलता है, क्लास में आपका नाम पूछ लिया तो आप लोग ऐसे बोलते हैं। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बस क्लास वास स्कूल में फर्क नहीं पड़ता, या मैंने आपको बोले यहाँ पे कुछ एग्जाम नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं हो रहे, ये सब आपके लिए अपने भले के लिए, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। बॉडी लैंग्वेज अगर सही रहेगा, अगर पीठ सीधा है, अगर ऐसे आप खड़े रहेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, ऊर्जा चलेगा बॉडी का, अपने आप आंख में आंख डालोगे, अपने आप आवाज थोड़ा ज्यादा निकलेगा, तो इन तीन चीजों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और फाइनली इस क्लास में जैसे मैंने बताया आपको, चुपचाप बैठने का फायदा नहीं है, सब बात करेंगे, सब बराबर है, बस एक रूल है कि आपस में बात नहीं होगा, जो भी अगर आपको कुछ बोलना है तो पूरे क्लास के साथ, ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, आपस में दो दोस्त नहीं बात करेंगे, अगर बात करना है तो सबके साथ बात करना है, और सबको मौका है बात करने का, किसी को भी कभी भी आपको कुछ सवाल पूछना है हाथ खड़ा करो, या हाथ खड़ा करने की जरूरत है, खड़ा होने की जरूरत है, सीधा बोलो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फायदा नहीं है इस क्लास का, मैं ही बोलते रहूंगा आप सुनते रहेंगे, कोई फायदा नहीं, ठीक है। और ये धीरे धीरे मैं समझ रहा हूं इतनी आसानी से नहीं होगा, हम लोग को एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है, हाँ ट्रस्ट, विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा। और अभी मैं बोल दूं आपको कि मुझ पे विश्वास करो, ये बेवकूफी है, धीरे धीरे होगा मुझे पता है, ठीक है, लेकिन एक चीज है, मैं अपने तरफ से बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जितना मैं जानता हूं, जो भी मैं आपको एक एक चीज जो इस लेसन में बताऊंगा, वो मैं 2 महीने और पूरे 27 साल से जो मैं पढ़ रहा हूं, मुझे जैसे आप लोगों की 9th में, तो 10-11 साल हो गए ना पढ़ते हुए, मुझे 27 साल में 12 ईयर्स स्कूल, नर्सरी प्रेप 14 ईयर्स, BA 3 ईयर्स, MA 9, तो और सोच लीजिए अराउंड 20-21 साल हो गया पढ़ते हुए, तो इन 27 ईयर्स में जितना भी मैंने कुछ जाना है, सोचा है, मेरा प्रयास ये है कि वो सब मैं आपको इन 3-4 महीनों में आपके साथ शेयर कर सकूं। और हर चीज, एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने रिसर्च किया है, किताबें तो इंटरनेट में देख के, लोगों से, एक्सपर्ट से जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे बात करके कंफर्म किया, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लगता है गलत है, लेकिन हो सकता है मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर दूं, लेकिन जानबूझ के मैं आपको कुछ गलत नहीं बताऊंगा, जितना इतना आप बोल सके, ठीक है।
तो धीरे धीरे बनाएंगे ट्रस्ट और फिलहाल यही है। तो समझ गए आप इस क्लास में क्या होगा। तो आप कब मिलेंगे अब नेक्स्ट वेंसडे है ना। कल शायद देखते हैं अगर कल होता है कि नहीं, कल ज्वाइंट क्लास लेते हैं, नहीं तो सीधा वेंसडे मिलेंगे अब ठीक है। और वेंसडे से क्या होगा, एक किसी को प्रोजेक्टर चलाना आता है यहाँ पे, संतोष तो दूसरे बैच में ना आप, ठीक है संतोष से लगवा दीजिए। तो क्योंकि यहाँ एक प्रोजेक्टर का जरूरत है, आप लोग मूवीज वगैरह दिखाएंगे कुछ कुछ। तो आगे से क्या होगा, वेंसडे थर्सडे यहाँ पे ठीक है। चलिए ओके सरला। कुछ सवाल है आप लोग का, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं किसी भी चीज पे कि क्या है, कुछ समझ नहीं आया इस पे क्या है, कोई और टॉपिक जोड़ना चाहते हैं तो अभी समय है बोलने। और किसी का अगर वो जरूरी नहीं है हिंदी इंग्लिश में बोलना है, उड़िया में बोलिए, मैं भी कोशिश करूंगा सीखने का, उड़िया में बोल सकते हैं। कभी ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इसलिए चुप बैठे, उड़िया में बोलना है उड़िया में बोलिए ठीक है। ये जो ऐसा ना आप मूवीज देखते हैं ना, मूवीज देखते हैं जो 1940s का मूवी होता है ना, 1940s का, तब हीरोइन ऐसे एक्ट करती थी, तब वो ऐसे ऐसे करती थी ये ऐसे। अब आजकल का मूवी देखिए 2000 अब कितना 17 में, आजकल हीरोइन भी ऐसे चलती है एकदम ठीक है। तो टाइम बदल गया है थोड़ा, उस टाइम से बाहर आ जाइए, इतना शर्माने का जरूरत नहीं है ठीक है। किसी को कुछ नहीं बोलना हो गया, हाँ ठीक है फिर जा सकते हैं आप लोग, हाँ जाओ एकदम बिंदास।